परीक्षा के दौरान प्रश्न पत्र में भील समाज के प्रश्न पर जहां विभिन्न संगठनों द्वारा विरोध किया जा रहा है, तो वहीं मंगलवार को इंदौर में भी भाजपा नेताओं ने राज्यपाल के नाम एक ज्ञापन दिया। इस मुद्दे पर कांग्रेस ने एक्शन लेते हुए अपना विरोध दर्ज कराया था और राज्यपाल से कार्यवाही की मांग की थी। मतलब साफ है, इस पूरे मुद्दे से भारतीय जनता पार्टी देर से ही सही लेकिन जुड़ गई और उसने उल्टा कांग्रेस पर आरोप लगा दिया कि सरकार आपकी है, आप क्या कर रहे हैं। मंगलवार को भाजपा ने तमाम जिला मुख्यालयों पर ज्ञापन सौंपा। इंदौर में भी ज्ञापन देकर राज्यपाल से मांग की गई कि दोषियों के विरुद्ध सख्त कार्यवाही की जाए। मध्य प्रदेश आदिवासी समाज का एक बड़ा वोट बैंक है और इसे कांग्रेस ने मुद्दा बना लिया है। यही वजह है कि भाजपा अब इस मामले में सामने आई है और देर से ही सही एक दिन बाद उसने भी ज्ञापन देकर दोषियों पर कार्यवाही और कांग्रेस को भी आड़े हाथों लिया है। 12 तारीख को जो पीएससी की परीक्षा हुई थी, जिसमें देश भर के परीक्षार्थी बैठे थे, उसमें एक क्वेश्चन था कि मध्य प्रदेश का भील समाज आपराधिक प्रवृत्ति का है, शराब के नशे में होता है, लोगों के पैसे देनदारी नहीं चुका पाता और वो अपराध करता है और नशे में होता है। इस तरह का सवाल पूछ के पीएससी ने पूरे देश में ये मैसेज दिया कि हमारे मध्य प्रदेश का भील आदिवासी समाज का व्यक्ति अपराधी है। हमने आज पूरे मध्य प्रदेश में जो ये ज्ञापन कमिश्नर महोदय के यहाँ दिया, दूसरे जिलों में कलेक्टर पे ये ज्ञापन दिया जा रहा है और इस ज्ञापन में हम ये मांग कर रहे हैं कि राज्यपाल जी निर्देशित करें कि चूंकि कमलनाथ जी की सरकार है, कांग्रेस की सरकार है, तो कमलनाथ जी जिम्मेदारी से बच नहीं सकते, वो दोषियों को दंडित करें और भील समाज से सार्वजनिक रूप से कमलनाथ जी माफी मांगे। ये हमारी मुख्य मांग है।